भूमाफिया हेमंत यादव को तुकगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 27 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट से आरोपी चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तार हुआ था, जहां आरोपी के खिलाफ जिला कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल तुकगंज थाना पुलिस ने हाईकोर्ट से मिले गिरफ्तारी वारंट में भूमाफिया आरोपी हेमंत यादव को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हेमंत यादव 1996 में मोहनदास नामक युवक से विवाद करने के बाद चाकू के मामले में जिला न्यायालय में वर्ष 2002 में आरोपी हेमंत यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जहां से भूमाफिया हेमंत यादव ने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी को लेकर स्टे ले रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को यथावत रखते हुए गिरफ्तारी पर लगे स्टे को निरस्त कर आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे जेल में दाखिल करने के लिए वारंट जारी किया था, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को कुख्यात भूमाफिया हेमंत यादव को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा जो है हेमंत यादव नाम के एक यहाँ पे एक गुंडे को अरेस्ट किया गया है। इस पर काफ़ी अपराध पंजीबद्ध हैं और 1996 में उस पर 307 का मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें 1999 में उसको जो है सेशन ट्रायल में उसको सजा दी गई थी। उसके उपरांत उसके द्वारा हाईकोर्ट में अपील किया गया था, जिसको कि 2019 में खारिज किया गया था। उसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट में अपील में जो है 2021 में वो अपील खारिज हो गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 15 दिन के अंदर उनको सरेंडर करने का जो है आदेश किया था, अन्यथा जो है उसमें पुलिस कार्रवाई के लिए उसमें निर्देशित किया गया था। सर इसमें 2021 में इनके कुछ वारंट भी थाने पर प्राप्त हुए हैं और उसके बाद जो है समझौता जो है उसमें वो कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इसमें बुकबरों से सूचना मिलने पर कि इस तरह से जो है इसमें पेंडिंग चल रहा है सजा याफ्ता मामला, उसमें जो है कार्रवाई आगे की गई है। सर फरार आरोपी काफी शहर में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, तो गोगंज पुलिस की नहीं, इसमें जो है इन चीज़ के कारणों की जांच करनी पड़ेगी कि इसमें जो इनका बीच में जो इनका वारंट जारी हुआ वो कहाँ गया है और उसके संबंध में और जांच पड़ताल की जाएगी। जो है वर्तमान में जो इसमें कार्रवाई है वो पूर्ण सर वारंट तामील करवाने वाला है कांस्टेबल या अन्य सब इसकी मिलीजुली सरकार लग रही है कि कार्रवाई की जाएगी नहीं, इसमें ये पता लगाना पड़ेगा हमको कि जो है इस संबंध में सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश निकलने के उपरांत इसमें क्या क्या प्रक्रिया हुई है उसका पूरा उसमें जो है हमको कोर्ट से लेकर थाने तक की पूरी प्रक्रिया पर ट्रेस करना पड़ेगा। सर पिछले दिनों इसके अलावा अगर तो दो नंबर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, कई राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही आगामी चुनाव के मद्देनजर जो है इतने भी ऐसे तत्व हैं जो कि मतदाताओं को जो है आतंकित या उनको भय में डाल सकते हैं, तो उस पर हम सभी ऐसे अद्यतन अपराधियों पर ऐसे असामाजिक तत्वों पर नज़र रखे हुए हैं और जो भी उनके विरुद्ध जो समुचित कार्रवाई बनती है। क्या सर हेमंत यादव के लिए राजनीतिक सपोर्ट या संरक्षण हो? नहीं, इसमें जो है जो सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना प्राप्त होने के उपरांत जो है उसमें जो भी उसमें तथ्य पहले निकाले गए, सारी जो ऑर्डर शीट्स होती हैं वो प्राप्त करी गई और फिर उसके बाद जब उसमें पुष्टि हुई कि जो है इस तरह का मामला है, तब उसमें जो है क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई और उसमें जो है उसमें आगे कार्रवाई की। कोई मंत्री ने भी शिकायत करी थी जमीन को लेकर कमिश्नर साहब? ये शिकायत जो है कमिश्नर कार्यालय में होगी, उस संबंध में जो है वहाँ पता कर सकते हैं। सर